Hello everyone, here is my friends in the Chinese. Please introduce yourself. My name is Chai Junlu. 我叫柴俊路. So what's your major subject? Geological and engineering. Oh, that's great. So you are in Xi'an or from different city? Different city. Yeah, maybe Shandong province. Oh, Shandong province, okay. I know that. So you like to play badminton? Yeah, often play badminton. Oh, that's very nice. Very nice to meet you. Yeah, See you again. Thank you so much. So, दोस्तों अभी आपको मैंने अपने दोस्त के साथ मिलाया चाइनीज के साथ. यार अगर आप लोग चाहते हैं कि अपनी लाइफ को एंजॉय करना, आप लोग चाहते हैं कि किसी और कंट्री में जाएं और साथ हम एंजॉय करें और साथ जो है वो हम अपनी स्टडी भी करें, तो मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए बेस्ट मौका है कि जिन बच्चों ने अपना एमडी कैट का रिजल्ट आया है और उनके मार्क्स और उनके एमडी कैट का रिजल्ट जो है वो उनका मेरिट नहीं बन रहा किसी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज के अंदर, तो मेरे ख्याल से आप लोग चाइना में आए और यहाँ पर आके आप अपना MBBS भी करें. एक तो आपकी फॉरन डिग्री हो जाएगी और दूसरा क्या होगा, आप एक नए सिटी को एक्सप्लोर कर लोगे. और इसके एडवांटेज अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो जब आप एक कंट्री को विजिट कर लेते हैं तो फिर किसी दूसरे कंट्री में जाके आप लोगों के लिए सेटल होना आसान हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल आप लोगों का विजन ये है कि मैंने किसी यूरोप साइड पे जाना है, किसी और कंट्री पे जाना है, तो पाकिस्तान में रह के आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है कि आप किसी और कंट्री का जो है वो डायरेक्टली वीजा ले लें. तो इसके लिए देखें, एक आपका एक तो फीस भी कम लगेगी आपकी चाइना में आते हुए एज कम्पेयर टू पाकिस्तान. पाकिस्तान में आपका ऑलमोस्ट 1 करोड़ और प्लस कुछ लाख रुपया जो आपका लग जाता है MBBS की डिग्री सिक्योर करने में, और यही अगर आप लोग चाइना में आते हैं तो आपका मैक्सिमम 1 करोड़ तक है, इससे मिनिमम हो जाएगी 60 से 65 से 70 लाख रुपए में आपकी जो है वो डिग्री ऑलमोस्ट चाइना के अंदर MBBS की सिक्योर हो जाती है, ठीक है. और उसके बाद अगर आप लोग स्पेशलाइजेशन करने के लिए मास्टर्स मजीद अपनी फील्ड के अंदर आप लोग स्पेशलाइजेशन करने के लिए किसी यूरोप में जाना चाहेंगे तो आपको परेशानी नहीं बनेगी, आप लोग आसानी से जा सकते हैं. तो अगर आप लोगों ने आप लोगों का अगर अच्छा क्या क्या चीज़ें चाहिए आप लोगों को चाइना में एडमिशन लेने के लिए, तो आपके पास सिर्फ 50% जो है वो FSC मेडिकल में नंबर होने चाहिए और 50% जो है वो आपके MD कैट में टेस्ट में नंबर होने चाहिए और आप चाइना में कंफर्म एडमिशन ले सकते हैं. तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों का चाइना में एडमिशन आप लोगों ने लेना है और कंसल्टेंट आपसे पैसे बहुत मांग रहे हैं तो मैं आपके लिए हाजिर हूँ. आप लोग जो है वो मुझे कमेंट करें और नहीं तो डायरेक्ट मैसेंजर पे आप लोग मैसेज करें और मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगा और कन्फर्म एडमिशन आप लोगों को लेके दूंगा. अपना ख्याल रखना है, दुआ में याद रखना है. अल्लाह हाफिज़.